म्यूचुअल फंड क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे अचीव कर सकते हैं और उसका मतलब क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर्सनल फाइनेंस के सीरीज में आपका स्वागत है। ये पार्ट वन रहेगा जिसमें मैं मेजरली बेसिक्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात करूँगा और मेजरली आप लोगों को ये बताऊँगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और उनको अगर देखना हो और क्या क्या पैरामीटर देखने हो तो आप कैसे देख सकते हैं, कहाँ से देख सकते हैं और क्या क्या एक्चुअल पैरामीटर्स आपको देखने चाहिए जब भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड पिक करें आपके खुद के लिए। और ये ऑब्वियसली पर्सनल फाइनेंस है तो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा और आपको भी किसी की रिकमेंडेशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये पर्सनल एक रीज़न की वजह से है, आपका क्या एज है, आपका क्या रिस्क एपेटाइट है, उसके हिसाब से आपको खुद को सेट करना है कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए और कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। पर मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए, सेफ एसेट्स में कीजिए, लेकिन करना ज़रूर स्टार्ट कीजिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। तो म्यूचुअल फंड जनरली एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स है, जैसे कि निफ्टी 50 होता है, जैसे कि निफ्टी नेक्स्ट 50 होता है, ये सारे इंडेक्स फंड्स होते हैं। तो ये इंडेक्स फंड्स जनरली उनका एक्सपेंस रेशियो कम होता है और म्यूचुअल फंड्स का थोड़ा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है क्योंकि ये फंड मैनेजर्स होते हैं इनके जो ये फंड सारे मैनेज करते हैं और कौन से कंपनी को कितना एलोकेशन करना है, मतलब उनके पास जो पैसे होते हैं वो पैसे उनको लगाने जब हैं तो कौन सी कंपनी में कितना लगाएंगे उसका एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स वो लोग करते हैं या एल्गोरिदम बनाते हैं और उससे वो लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि किसका वैल्यू कितना होना चाहिए और वो जो पर्टिकुलर सर्विसेज है उसका जो कॉस्ट होता है उसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। पर उसको मैं थोड़ा और डिटेल में कवर करूँगा। पर जनरली कोई भी म्यूचुअल फंड एक इंडेक्स फंड को ट्रैक करता है, तो कोई भी अगर इंडेक्स फंड है, फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, वो टॉप 100 कंपनीज हो गए जो इंडिया के टॉप 100 कंपनीज हैं और वो 100 कंपनीज़ को लार्ज कैप भी बोलते हैं। तो एक लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड आपको ज़रूर दिखेगा, वैसे ही मिड कैप होता है, वैसे ही स्मॉल कैप भी होता है। तो वो डिपेंड करता है कि वो कौन से इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है और कौन सी कंपनीज उसके पोर्टफोलियो में है। तो अगर मान लीजिए कोई भी म्यूचुअल फंड लार्ज कैप अगर लिखा हुआ है उसमें, तो उसका मतलब ये है कि वो टॉप 100 कंपनीज जो इंडिया की है उसमें वो पैसा लगाता है। अलग अलग एलोकेशन है, अलग अलग परसेंटेज ऑफ मनी उन कंपनीज़ में लगाए हुआ है, किसी में ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, लेकिन वो टॉप 100 कंपनीज़ को होल्ड ज़रूर करता है। तो अगर आपको मतलब एक तरीके से सेफ हो गया वो, आप अगर इंडिविजुअल कोई स्टॉक लेते हैं वर्सेस अगर आप कोई म्यूचुअल फंड लेते हैं, तो वो 100 या मे बी 150 या मे बी 250 स्टॉक्स का एक ब्लेंड रहता है या कॉम्बिनेशन रहता है एक तरीके से। तो बेसिक म्यूचुअल फंड यही होता है। बात कर लेते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या होता है। लार्ज कैप का मतलब है 20,000 करोड़ से ऊपर अगर कोई कंपनी है तो वो लार्ज कैप में आती है क्योंकि उसका कैपिटल ज़्यादा है, इसलिए लार्ज कैप है उसका नाम। और मिड कैप का मतलब यह है कि अगर 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में अगर कोई कंपनी है तो उस कंपनी को अगर आपने होल्ड किया है तो वो मिड कैप में आता है वो कंपनी। और स्मॉल कैप का मतलब यह है कि 5,000 करोड़ से नीचे की कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटल फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप ये सब क्या होता है। तो ये सबको ट्रैक करके एक म्यूचुअल फंड्स बना सकते हैं। तो हर बैंक का या हर किसी का जो जो भी फंड मैनेजर्स हैं या फिर जो भी फंड की कंपनियां हैं एक तरीके से, वो अपने अपने म्यूचुअल फंड्स बनाते हैं। म्यूचुअल फंड मेजरली एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक है जिसमें 50 भी स्टॉक हो सकते हैं, 100 भी स्टॉक हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो किसको ट्रैक करते हैं। तो वो आपको देख लेना है कि अगर आपको मान लीजिए सिर्फ लार्ज कैप में ही करना है, आपको अगर सेफ एसेट में ही अगर अभी एलोकेट करना है, अभी पैसे डालने हैं, तो आप मेजरली क्या कीजिए कि आप सिर्फ लार्ज कैप वाले जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको आप पिक कर सकते हैं। कैसे पिक करना है वो मेजरली आपका वो रहेगा कि आपका कितना रिस्क टॉलरेंस है, आपका कितना एपेटाइट है। बाकी अभी इसी पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि क्या क्या आप चीज़ें देख सकते हो और फिर क्या आपको डिसाइड करना है, वो तो आपका रहेगा पूरा पूरा डिसीजन। लेकिन आपको मैं एटलीस्ट मेजर्स बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पॉइंट्स आपको देखने हैं और एक एक पॉइंट का मतलब क्या है। तो एटलीस्ट आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ, मुझे अगर म्यूचुअल फंड देखना है तो मुझे क्या क्या पर्टिकुलर पार्ट देखना है, क्या क्या वैल्यूज देखना है और क्या क्या वैल्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है कोई भी म्यूचुअल फंड को पिक करने के लिए। तो ये मेजरली हो गया कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो जैसे भी कोई भी मतलब म्यूचुअल फंड है तो वो एक ना एक इंडेक्स को ज़रूर ट्रैक करता है
और उसके जो भी होल्डिंग्स होते हैं या उसकी जो भी कंपनियां होंगी उस मिड कैप में या स्मॉल कैप, जो भी वो इंडेक्स ट्रैक कर रहा है, वही कंपनीज वो जनरली अपने म्यूचुअल फंड में भी रखते हैं। तो जैसे लार्ज कैप की अगर बात कर ले तो रिलायंस या अदानी या और भी बड़े बड़े टाटा हो सकता है, और भी बड़े बड़े जो भी कंपनीज हैं उनके ऊपर ये लोग पैसे लगाते हैं। कितना परसेंटेज वो आप जनरली देख सकते हैं वेबसाइट पे जाके किसी भी म्यूचुअल फंड का, और कौन सा वेबसाइट देखना, कैसे उसको देखते हैं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड की बात। अभी बात आती है कि इन्फ्लेशन क्या होता है। तो इन्फ्लेशन का मतलब बहुत सिंपल है कि आपका कंज्यूमर प्राइस कितना बढ़ रहा है। तो वो एक एवरेज आपको बताते हैं कि साल का इतना इन्फ्लेशन हो गया है। जैसे मान लीजिए आज अगर आपने आटा खरीदा है फॉर एन एग्जाम्पल, और वो अगर 20 रुपये का किलो है, 1 किलो 20 रुपये का है, तो कल अगर वो 22 रुपये हो जाता है तो फिर वो 2 रुपये से बढ़ गया, मतलब 10% इन्फ्लेशन पड़ गया उसके ऊपर। ऐसे एवरेज में वो लोग ये कैलकुलेट करते हैं और आपको बताते हैं कि इतना इन्फ्लेशन है। वो इन्फ्लेशन रेट आपको एक्चुअली दिमाग में रखना ज़रूरी है जब आप कोई भी कैलकुलेशन करो। और अब आप तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में 10-15 साल आप इन्वेस्टेड रहोगे म्यूचुअल फंड्स में, पर आपको प्रिडिक्शन आज ही करना पड़ेगा। पर प्रिडिक्शन होता नहीं है, तो आप जनरली क्या करते हैं, लोग जनरली पीछे का डेटा देखते हैं, पीछे एक हिस्ट्री देखते हैं कि कितना मतलब आपको एवरेज कितना इन्फ्लेशन रहा है उस पर्टिकुलर पार्ट पे, और उसी को आप एज अ नंबर आप ले सकते हो अपने कैलकुलेशन में। ऑब्वियसली बात है कैलकुलेशंस थोड़ी रफ ही होती हैं, क्योंकि आपको एक्चुअल तो आपको पता नहीं है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते मार्केट को। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका वैल्यू ज़रूर बढ़ता है। अगर आप लॉन्ग टर्म है, अगर आप लॉन्ग हैं इन टर्म्स ऑफ इंडिया की ग्रोथ पे, तो आप इंडिया के टॉप 50 या नेक्स्ट 50 पे आप इजीली पैसे लगा सकते हैं। और एक तरीके से वो आप कंपनी में इन्वेस्ट करने जैसा ही हो गया, पर 100 कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर एक दो ऊपर नीचे हो भी जाती है, अगर डाउन भी हो जाती है, बैंकरप्ट भी हो जाती है, तो आपके फंड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही फर्क है स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स में। तो इसलिए म्यूचुअल फंड को थोड़ा सेफ बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स, पर हाँ ऑब्वियसली वो रिस्की है थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर रिसेशन आ गया, अगर कुछ भी, अगर वॉर हो गया फॉर एन एग्जाम्पल, तो चीज़ों की प्राइसेस गिर जाती है, म्यूचुअल फंड्स की प्राइसेस भी गिर जाती है और चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है उस पार्ट पे। तो हाँ, नेट आपको बहुत बड़ा झटका मिलता है, क्योंकि आपका आप जो चीज़ खरीदोगे उसके प्राइसेस बढ़ चुके होंगे या बढ़ेंगे, और आपका जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट से आने वाला था वो कम हो जाएगा। यही है मेजरली कि इन्फ्लेशन का मतलब है कि कंज्यूमर का प्राइस कितना बढ़ गया, कंज्यूमर गुड्स का प्राइस एक्चुअली कितना बढ़ गया। तो वो कंज्यूमर गुड्स का जो प्राइस है वो जनरली डिफाइन करता है कि आपका इन्फ्लेशन क्या रेट है, तो एवरेज में वो लोग कैलकुलेट करके बताते हैं। तो ये हो गया इन्फ्लेशन। अभी बात करते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या होता है और क्यों ज़रूरी है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप जॉब छोड़ के घर पे बैठ जाएं और आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप बस उसी से ही आप अपना संसार चला लेंगे, अपना घर चला लेंगे। ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेजरली उसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर आपको कुछ और करना है, मान लीजिए आपको कोई बिजनेस करना है या आपको छुट्टी लेके कहीं पे जाना है, तो आपको पैसे पे डिपेंड नहीं होना पड़े। आपको हर दिन सुबह 8 बजे उठ के टवेरा या कुछ लेने की ज़रूरत ना पड़े, और आप घर से ही कुछ कर सके अपने लिए, और अपने टाइम से आप जाएं, अपने टाइम से आप आए, या अपने लिए ही काम करें एक तरीके से। तो वो जो लेवरेज है, वो जो फ्रीडम है, वो आपको यहाँ से इस पर्टिकुलर पार्ट से जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है उससे मिलता है। अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एक टर्म है फाइनेंस में, और जनरली वो टर्म फाइनेंस का है कि नहीं मेरे को पता नहीं है, पर वो ऐसा बोलते हैं एक तरीके से काफ़ी लोग उसको, FIRE बोलते हैं, फायर। वो एक मूवमेंट है एक तरीके से। तो इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली, FIRE। तो इसका मेजरली पर्पस ये है कि आप फॉर एन एग्जाम्पल आज 1 लाख रुपए कमाते हैं, ठीक है, तो आपका 50,000 रुपये खर्चा है, ठीक है, आपका जो लाइफस्टाइल आज 50,000 रुपये में है, वो सेम अगर लाइफस्टाइल आपको 15 साल बाद या 20 साल बाद भी रखना हो, और लेकिन आपको काम नहीं करना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आज आप 25 साल के हैं, तो आप 15 साल के लिए या 20 साल के लिए आप कुछ कुछ फंड रखेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पार्ट 2 में आएगा, तो आप उसके लिए भी बने रहिए। बाकी अगर आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट आप कैलकुलेट कर लेंगे उस कैलकुलेशन से, उतना पैसा अगर आप हर महीने डालते जाएंगे, और आपका सैलरी भी बढ़ेगा तो आप थोड़ा और डालते जाएंगे, थोड़ा ऐसा मतलब SIP करेंगे, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अगर
करते जा रहे हैं महीने दर महीने, तो आप 15 से 20 साल के बाद एक बहुत बड़ा कॉर्पस आपका हो जाएगा। कॉर्पस मतलब एक बहुत बड़ा फंड आपके पास आ जाएगा और रह जाएगा आपके पास। तो वो फंड से आप आगे का मतलब उसका जो रिटर्न रहेगा, फॉर एन एग्जाम्पल आपने 20 साल किया तो आपको 10 करोड़ रुपए मान लीजिए हो गया, तो आज 50,000 है, 20 साल बाद शायद आपके जो खर्चा होगा वो 2 लाख रुपए होगा महीने का, मान लेते हैं। तो आपके पास अभी 10 करोड़ रुपए हैं, अगर आप उसका जो रिटर्न रहेगा मतलब अगले साल मान लीजिए वो 12% से बढ़ता है म्यूचुअल फंड में, तो वो 12% से बढ़ रहा है म्यूचुअल फंड में और इन्फ्लेशन भी है 6%, मतलब हर साल उस टाइम पे अगर 2 लाख रुपए लग रहा होगा तो अगले साल मान लीजिए 51 की एज में वो 2,12,000 रुपये आपको खर्चा होगा, तो जो 12,000 है वो आपको चाहिए होगा। तो इसलिए कैलकुलेशन ऐसा बोलता है कि आपका जो नेट रिटर्न है म्यूचुअल फंड से माइनस कीजिए उसको, मतलब उसको माइनस नहीं कीजिए, आप इन्फ्लेशन को माइनस कीजिए उससे। तो इन्फ्लेशन मान लीजिए 6% है और नेट रिटर्न आपका 12% है, तो आप 12 माइनस 6 करेंगे तो नेट आपका जो प्रॉफिट है वो 6% हो गया, तो आपका जो वैल्यू है वो 6-6% से बढ़ता रहेगा इन्फ्लेशन करेक्टेड, तो वो 6% आप उठा सकते हैं। तो उस टाइम पे अभी आप SIP कर रहे थे, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे थे, बाद में आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में आप वो करेंगे, अलाउ करेंगे उसको, तो उससे क्या होगा, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया वैसा का वैसा आप विड्रॉ भी कर सकते हैं पैसे, हर महीने दर महीने आप विड्रॉ कर सकते हैं। ये एक पेंशन की तरह ही हो गया एक तरीके से, गवर्नमेंट आपको जो पेंशन देती है ये ऑलमोस्ट वैसा ही हो गया, बस पेंशन में ये होता है कि आपके मरने के बाद पैसे आपको नहीं मिलेंगे, आपके परिवार को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे ऐसा है अगर आपने कम ही पैसा उठाया तो आपका पैसा गिरता नहीं है बल्कि पैसा बढ़ता ही जाता है और आपके बच्चों तक वो ट्रांसफर होगा, बस यही मेजर फर्क है। और उसके बारे में भी हम पार्ट 2 में जरूर देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं और कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं हर एक वैल्यू को, पर मेजरली इसमें सिनेरियो यही है कि आपको 12% अगर रिटर्न मिलता है, 6% आपका इन्फ्लेशन है, तो आप 6% निकाल सकते हैं। 6% निकालने का मतलब यही है कि उस टाइम पे मान लीजिए आपके पास अगर 10 करोड़ रुपए है तो 6% उसका हो गया 60 लाख रुपए, तो 60 लाख रुपीज आप ले सकते हैं इन अ ईयर, मतलब मंथली 5 लाख रुपए ले सकते हैं, तब आपका खर्चा है 2 लाख रुपए, तो आपके पास फिर भी 3 लाख रुपए बच जाते हैं जो आप ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उस टाइम पे। तो ये लेवरेज आपको दे देता है कि आपको इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आ रहा है वही आपका लिविंग एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर हो गया या ट्रैवलिंग का एक्सपेंडिचर हो गया, वो सब कवर कर पाएगा, तो आपको सैलरीड एम्प्लॉय होने की ज़रूरत नहीं है। ऑल दो अगर आपको काम पसंद है तो आप हो सकते हैं, लेकिन आपको पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेजरली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको ये चीज़, ये फ्रीडम प्रोवाइड करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी जितना स्ट्रेसफुल लोगों का काम रहता है उस हिसाब से भी हो, या फिर हर किसी को जितना उनमें कैपेसिटी है उतना वैल्यू नहीं, शायद नहीं मिलता हो, और हो सकता है कि क्योंकि वो फैमिली चलानी है, उनको पेरेंट्स को देखना है, उनको EMI भरना है, जो भी है उसके वजह से वो लोग लॉक्ड है कि हमें ये काम नहीं करेंगे, अगर हम छोड़ देंगे तो हमें जॉब पता नहीं मिलेगा कि नहीं, या जो भी है, तो उसके वजह से लोग क्या काफ़ी लॉक्ड रहते हैं, और मैंने देखा है, पर्सनली भी देखा है थोड़ा बहुत। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर जो जो फायर का जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए किसी भी आप उम्र में हो, चाहे से आप 40 साल की उम्र में हैं अभी या चाहे से आप 20 साल की उम्र में हैं, आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना ज़रूर चालू करना चाहिए। तो हम लोगों ने बात कर ली है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता क्या है, कैसे अचीव कर सकते हैं, क्या नंबर हो सकता है, तो नंबर भी मैं आपको एक रूल बता देता हूँ, बहुत छोटा सा रूल है, कोई ज़्यादा बड़ा कुछ रूल नहीं है, अब बहुत लोगों के अपने अपने रूल है, मेरा एक रूल है। मुझे ऐसा लगता है इंडिया में कम से कम एवरेज में 12 से लेके 15% का एवरेज है जो म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न मिल रहा है, उसमें आप ये मान के चलिए कि ये जो 12 से 15% रिटर्न है उसमें आप 12% ही मान के चलिए, तो वो 12% माइनस 6% आप इन्फ्लेशन अगर कर देते हैं तो आपको 6% आप उठा सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, इसका मतलब मंथली, मतलब ये ईयरली 6% आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये मंथली हो गया 0.5% के आसपास। तो ये 0.5% ही 200 रूल, जो मेरा मैंने मेरे को ऐसा लगता है सबसे इजीएस्ट वे है इसको समझने का, वो है 200x रूल। आज मेरा खर्चा 1 लाख रुपए है तो मैं 1 लाख को 200 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 2 करोड़ रुपए हो गया,
अगर मेरे बैंक में 2 करोड़ रुपए है, मैं 1 लाख रुपए उठा सकता हूँ और मेरा बढ़िया चलेगा, क्योंकि मेरा एवरेज रिटर्न 12% के आसपास तो होने ही वाला है, उससे ज़्यादा ही रहेगा आगे चल के भी। बाकी हाँ, आपको अगर थोड़ा सेफ रहना है तो आप 10% के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस टाइम पे अगर आप 10% ही, अगर आप एवरेज वो ले रहे हैं कि म्यूचुअल फंड सिर्फ 10% से ही बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन को आप 6% लीजिए, 4% आप ड्रॉ कर सकते हैं, उस हिसाब से आप सिर्फ 0.33% ही ले सकते हैं मंथली उस कॉर्पस का, तो आपको 3 करोड़ रुपए चाहिए होगा, तो वो 300x रूल बन जाता है, बस उतना ही फर्क है। मैं 200x पे बिलीव करता हूँ, और आपको और सेफ है तो आप 300x रूल पे भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके आपका आज अगर खर्चा मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो आपको 3 करोड़ का कॉर्पस चाहिए। अगर आपका खर्चा आगे चल के 10 लाख रुपए होता है, तो आपको 30 करोड़ का कॉर्पस चाहिए, ये वैसा कैलकुलेशन है। और बाकी और भी डिटेल में हम लोग पार्ट 2 में बात करेंगे, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, और उसमें एक एक्सेल ज़रूर रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप आराम से अपने वैल्यूज़ को ट्विक कर सकते हैं, और आपको एक जनरेटिव वैल्यू बता देगा वो। हम लोगों ने म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर ली है, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात कर ली है, और इन्फ्लेशन के बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली है। अब बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक फ्लेक्सी कैप ऑन करके रखा है, ओपन करके रखा है, तो ये पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ये कोई म्यूचुअल फंड एडवाइस नहीं है कि आपको यही पर्टिकुलर फंड लेना है। आप अपना ड्यू डिलीजेंस कर सकते हैं कि आपको कौन सा लेना है, पर ये सिर्फ मेरे को ये दिखाना था कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल लिया है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, ठीक है, जिसका NAV वैल्यू, जिसकी हम बात कर रहे थे, जो कि नेट एसेट वैल्यू है, तो नेट एसेट वैल्यू सेम जैसे स्टॉक का प्राइस होता है, वैसा ही NAV जो है वो एक म्यूचुअल फंड का प्राइस होता है, एक म्यूचुअल फंड का वैल्यू होता है। तो ये वैल्यू आप देख सकते हैं 76.87 है 24 अप्रैल को, जो कि ये अभी का करंट वैल्यू है। अभी ये बात कर लेते हैं कि रिटर्न्स सिंस इंसेप्शन क्या है। तो रिटर्न सिंस इंसेप्शन का मतलब ये है कि कब से फंड चालू हुआ है और उस टाइम से कितना उसने एवरेज में रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं 20.53 जो वैल्यू है, ये उसने एवरेज में रिटर्न दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो 11 साल उसने जो रिटर्न्स दिए हैं, वो ईयर ऑन ईयर उसने एटलीस्ट एवरेज में 20% दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। एनीवेज, तो ये हो गया रिटर्न सिंस इंसेप्शन का मतलब, और ये जो 20.53 है, ये एनुलाइज रिटर्न है, मतलब ईयर ऑन ईयर एनुलाइज रिटर्न, जिसको CAGR भी बोलते हैं, कंपाउंडेड एनुलाइज ग्रोथ रेट। तो आगे हम देख लेते हैं कि और क्या क्या ये जनरली वेबसाइट हमें बता देता है। इसके बाद अभी हम देख लेते हैं कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। तो एक्सपेंस रेशियो ये होता है कि जैसे आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं, तो आप ब्रोकर को कुछ पैसा दे देते हैं कमीशन, ये म्यूचुअल फंड का कमीशन है एक तरीके से। तो म्यूचुअल फंड जनरली एक फंड मैनेजर होता है जो मैनेज करता है कि कहाँ कितना डालना है, कितना एलोकेट करना है, तो ये वो कंपनी ये पर्टिकुलर परसेंटेज आपके कॉर्पस से उठा लेगी, आपके पैसे से उठा लेगी, तो 0.57 है इस पर्टिकुलर फंड का। सेकेंडली आप देख सकते हैं कि एक्सिट लोड क्या होता है। तो एक्सिट लोड इसमें 2% लिखा है। एक्सिट लोड का मतलब ये है कि जब आप उसको बेचेंगे तो आपको कभी कभी पेनल्टी देना पड़ता है, तो ये 2% पेनल्टी इसको देना पड़ता है, पर इसका ये देख लेते हैं कि कब कब टेक्निकली 2% देना है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर यूनिट अबव 10% ऑफ द इन्वेस्टेड वैल्यू, एग्जिट लोड ऑफ 2% इफ रिडीम्ड विद इन 1 ईयर, एंड 1% इफ रिडीम्ड आफ्टर 1 ईयर बट ऑन एंड बिफोर 2 ईयर्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने आज 10,000 रुपये, मतलब आज भी नहीं, अगर आपने पूरे साल में 10,000 रुपये अगर डाले हैं इस पर्टिकुलर फंड में, और अगर आप 1 साल से पहले उठा लेते हैं, अगर आप मान लीजिए 11 महीने और 12 दिन में अगर उठा लेते हैं, या 14 दिन में उठा लेते हैं, तो आपको 2% एग्जिट लोड देना पड़ जाएगा, अगर आप 10% से ज़्यादा उठा रहे हैं तो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 10,000 में अगर आप 1,000 से ज़्यादा का अगर सेल कर रहे हैं 1 साल से पहले, तो आपको 2% का लोड देना पड़ेगा, मतलब 2% का पेनल्टी होगा, 10,000 रुपये में 200 रुपये आपका लॉस होने वाला है उसमें, क्योंकि 200 रुपये आपको देना पड़ेगा उसको करने के लिए, बेचने के लिए। अब अगर आप 1 साल के बाद और 2 साल से पहले अगर बेचते हैं, तो आपको 1 ही % देना पड़ेगा, और अगर आप 2 साल के बाद बेचते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा एग्जिट लोड के हिसाब से। तो ये हो गया एग्जिट लोड। अब AUM की बात कर लेते हैं। तो AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट,
कि कितना पैसा वो लोग मैनेज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 60,000 करोड़ के आसपास वो लोग मैनेज कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा कॉर्पस है, बहुत बड़ा अमाउंट है जो वो लोग मैनेज कर रहे हैं। तो ये जो अमाउंट है ये पब्लिक का पैसा है, मतलब आपके मेरे जैसे लोगों का पैसा है जिन्होंने लगा के रखा है। अभी लॉक इन की बात करते हैं, तो लॉक इन सिंपल जो लॉक इन होता है कि अगर मान लीजिए आप बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते, तो आप इसको कभी भी बेच सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो लॉक इन है। और एज की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने जैसे इंसेप्शन की बात करी कि ये जो फंड है वो 2013 से 2024 तक का है, तो इसलिए 11 साल इसकी उम्र है। अभी बेंचमार्क की बात करते हैं, तो ये सिर्फ ये दिखा रहा है कि ये किसको फॉलो करता है, कौन से बेंचमार्क को फॉलो करता है। तो ये 500, निफ्टी 500 को फॉलो करता है। निफ्टी 500 क्या होता है? निफ्टी 500 का मतलब ये है कि निफ्टी 50 जो टॉप 50 कंपनी है, निफ्टी नेक्स्ट 50 जो 51 रैंक से 100 रैंक में है, और उसके बाद ये होगी टॉप 100 100 कंपनीज जिसको लार्ज कैप कहते हैं। उसके बाद आता है मिड कैप। मिड कैप होता है 101 रैंक की कंपनी से लेके 250th रैंक की जो कंपनी होगी वो मिड कैप 150 कहलाता है। तो 101 रैंक से लेके 250th रैंक, 250th रैंक तक कैप 150 हो गया। उसके बाद होता है स्मॉल कैप। तो 251 रैंक से लेके 500 की रैंक तक स्मॉल कैप का नंबर आता है। तो स्मॉल कैप मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि 5,000 करोड़ से कम का जिसका मार्केट कैप होता है वो स्मॉल कैप होता है। तो 251 रैंक से लेके 500 रैंक को स्मॉल कैप कहते हैं। और ये टोटल ओवरऑल 500 कंपनीज हो गई, ये 500 का कुछ एवरेज होगा, उसको निफ्टी 500 कहते हैं। अभी क्लियर हो गया होगा? तो उसको एज अ बेंचमार्क मानता है, मतलब उससे वो कंपेयर करता है कि हम कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं, वॉट एवर। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1,000 रुपये कर सकते हैं जो भी है, पर आपको ये सब नहीं देखना है। मेजर आपको जो देखना है वो ये है कि एक्सपेंस रेशियो कितना है, एग्जिट लोड कुछ है कि नहीं है, एयूएम कितना है आप देख सकते हैं, और उम्र भी देख सकते हैं, बेंचमार्किंग भी देख सकते हैं। तो ये मेजर एस्पेक्ट्स है। बाकी यहाँ से आप इस वेबसाइट ई टी मनी से अगर आपको कैलकुलेट करना है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि ये बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है, इसको आप ज़्यादा रीड मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन करेक्शन नहीं है, इसमें बहुत कुछ ही चीज़ें नहीं है कि आपको अगर पैसे हर साल बढ़ाने हो SIP का, तो उसका भी फॉर्मूला इसमें नहीं है, जो कि पार्ट टू में जब मैं लाऊंगा पार्ट टू, तो उसमें एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक्सेल ज़रूर होगा, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर एक्यूरेट कैलकुलेशन। और उसके अलावा भी मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा उस पर्टिकुलर वीडियो में, पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि क्या क्या कैसे कैसे आपको चेंज करना है, तो आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं रिटर्न्स पे, वो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। एसेट एलोकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इधर जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था कि हर एक फंड का अपना एक एसेट एलोकेशन रहता है कि हमें लार्ज कैप में कितना डालना है, हमें स्मॉल कैप की कंपनीज में कितना डालना है, हमें मिड कैप की कंपनीज में कितना डालना है, वॉट एवर, या फ्लेक्सी कैप जो भी है। तो ये जनरली एलोकेशन आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अभी अगर इसकी ही एग्जांपल की बात करते हैं, तो लार्ज कैप में इन्होंने 71% के आसपास डाला हुआ है। तो 71% जो उनका पैसा है, मतलब अभी उनके पास 60,000 करोड़ आपने देखा है, 60,000 में से 42 या 43,000 करोड़ वो लोगों ने सिर्फ लार्ज कैप की कंपनीज पे ही लगा के रखा है। इसलिए ये लोगों का वॉलीटिलिटी नहीं है, वॉलीटिलिटी का मतलब अप डाउन नहीं होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लार्ज कैप बहुत ज़्यादा मूव करता नहीं है, तो म्यूचुअल फंड जो ऐसा है वो भी मूव नहीं करता है। मिड कैप में इन लोगों ने 7% लगा के रखा है, स्मॉल कैप में इन लोगों ने 7% रखा है, और बाकी डेट है 14% का। डेट मतलब वो ना उठेगा ना गिरेगा, उन्होंने सिर्फ डेट फंड पे लगा के रख रखा है। ये सिर्फ एक तरीके से एलोकेशन है कि वो जो 14% है अगर मान लो अभी डिप आ जाता है तो वो लोग फिर बाय करेंगे उस चीज़ पे, तो वो उसके लिए रखा हुआ है एक तरीके से। तो ये उनका एलोकेशन हो गया, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और ये मैंने मुझे लगता है काफ़ी लोग इस चीज़ को नहीं देखते हैं, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि मैंने स्मॉल कैप पे लगा दिया मतलब 100% पैसा स्मॉल कैप में जा रहा है, स्मॉल कैप की कंपनीज में जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। कि आप कोई भी स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड ले, उसका एलोकेशन ज़रूर चेक करें। एलोकेशन में आप देखेंगे 30% शायद वो लोग लार्ज कैप पे लगाते हैं, 70% स्मॉल कैप पे लगाते हैं। तो ये बहुत लोगों को मतलब मुझे लगता है मिसकंसेप्शन भी है कि 100% ही वो लोग स्मॉल कैप पे लगाते हैं, ऐसा नहीं है। वो लोग भी रिस्क मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे मिड कैप कैसे स्मॉल कैप कर सकते हैं, पर क्योंकि वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है इसलिए स्मॉल कैप 50% से ज़्यादा ही रहेगा। बस वही उसका मेजर एस्पेक्ट है कि इफ़ इट इज़ अ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड तो वो 50% से ज़्यादा स्मॉल कैप में ज़रूर लगा के रखेगा, ये है कहने का मतलब।
लेकिन वो लोग ऐसे नहीं कि 100% ही एलोकेट करके रखते हैं, तो आप उसको जरूर देख सकते हैं जब आप अपना प्लानिंग कर रहे होंगे तब। तो इसमें आप होल्डिंग्स भी देख सकते हैं कि टॉप क्या क्या होल्डिंग्स है, जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे HDFC में उन लोगों ने 8% एलोकेशन करके रखा है, बजाज में 7% है, पावर ग्रिड में 6% है, मारुति सुजुकी में 6% है, और आप सेक्टर्स के हिसाब से भी देख सकते हैं कि फाइनेंशियल में उन्होंने 31% पैसा उनका फाइनेंशियल में लगा हुआ है, सर्विस इंडस्ट्रीज में उन लोगों ने 14% लगा के रखा है, टेक्नोलॉजी में 11%, ऑटोमोटिव में 7.5%। तो ऐसा आप एलोकेशन पूरा डिटेल पोर्टफोलियो एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपको जिसमें ज़्यादा कन्विक्शन है आप उस वाले फंड में जरूर चाहिए। बाकी आप पीयर कंपैरिजन भी देख सकते हैं, और भी चीज़ें आप देख सकते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, पर मेजर जो एस्पेक्ट्स थे वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं इसमें। तो मुझे लगता है हाँ, काफ़ी हद तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अभी कि म्यूचुअल फंड को कैसे देखना है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, उनके मतलब क्या हैं, और उनको कंपेयर कैसे कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें मेजरली देखनी होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा सेक्शन पसंद आया। तो और ऐसा भी अगर कुछ है जो आप लोगों को उतना समझ में ना आया हो तो वो आप मेरे को ज़रूर बता सकते हैं, तो मैं या तो कमेंट में आपको बता दूंगा, या फिर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना के भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और अच्छे से इस पर्टिकुलर पार्ट को। लेकिन हाँ, लास्टली मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप कुछ लोग हैं जो म्यूचुअल फंड से अभी भी डरते हैं, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप बहुत ही सेफ एसेट्स में लगाइए आप पैसा, लेकिन आप लगाइए ज़रूर, क्योंकि उसमें अगर आप अभी भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि काफ़ी रैली हो चुका है, पर अगर आप अभी भी नहीं लगाते हैं तो शायद आप मिस आउट कर जाए इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है उस पर। तो वो ज़रूर आप इन्वेस्ट कीजिए, और बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।